अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कलीजी फ्राई। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह हम कम से कम मसालों में कलीजी फ्राई बनाएंगे देख लेंगे। सबसे पहले रख लिया है मैंने एक जार, उसमें मैंने डाला है एक स्पून भर के काली मिर्च। आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और थोड़ा हरिया धनिया डाल लिया है मैंने, और ये एक ही टमाटर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और देखिए, ये सारी चीज़ों को, तीनों चीज़ों को अच्छे से इस तरह मैंने पीस कर रख लिया है। और दूसरी तरफ एक कुकर रखी हूँ मैं, उसमें थोड़ा तेल डाला है। जो मसाला हमने पीस के रखे थे उसे डाल देंगे। आप इस तरह बनाकर देखिए फ्रेंड्स, बहुत मज़ेदार कलीजी बनके तैयार होगी। और दो स्पून भर के यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। डाल के अच्छे से ये सारी चीज़ों को भून लेंगे हम। अच्छे से भूनने के बाद इसके इसमें हम जो सूखे मसाले हैं हमारे वो डाल देंगे। एक स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, और आधा स्पून गरम मसाला पाउडर, और आधा स्पून यहाँ पर मैंने मटन मसाला पाउडर डाला है, और आधा स्पून से थोड़ी कम हल्दी पाउडर, और एक स्पून भर के धनिया पाउडर डाला है मैंने। डाल के अब इसे भी थोड़ा भून लेंगे हम, इन मसालों को भी। मटन मसाला पाउडर डालने से जो इसमें एक तरह की स्मेल होती है कलीजी में, वो नहीं रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा टेस्ट इसका। मैंने कलीजी के अंदर जो और एक उसके सेट में आता है वो सारी चीज़ें डाल दी हूँ मैंने। तीनों चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा डाला है, और देखिए इतनी ही बनाई मैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। नमक डालेंगे अब हम, बहुत जल्दी से जल्दी बनके हमारी 2-4 मिनट में ही ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए, अब नमक को डाल देंगे हम। डाल के अच्छे से हमें इसी तरह भून लेना है। लास्ट में हम इसे सिर्फ एक ही सीटी के लिए रखेंगे कुकर बंद करके। देखिए, अब हमारी कलीजी का फ्राई बनके तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी, और मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है फ्रेंड्स, सिर्फ मसालों का ही ये पानी छूटा है। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।